के ऊपर घड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी। उस बासुक को नहीं मालूम था कि ये हमारी दी है, लेकिन धोखा हो गया। जिस समय राजा बासुक ने ये मन में सोचा, ये कहां की है सुंदरी, बहुत सुंदर लड़की है, कहां से आई है, किसकी जियाई है, ये हमारी घरवाली बन जाए तो मुझे चिंता किसी बात की नहीं। याद रखना, पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, एक नियम पहले था, सतयुग द्वापर और त्रेता तक ये नियम चलता रहा।
पहले मनसा पाप लग जाता था। जैसे किसी के बारे में तुमने गलत विचार भी अगर मन में सोचा कि उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा नहीं हुआ, तेरा बुरा हो गया, ये पहले मनसा पाप लगता था। केवल किया कुछ नहीं, अपनी बेटी के बारे में केवल गलत विचार लिया, ये बहुत लड़की सुंदर है, किसकी जाई है, ये कहां से आई है, इसके साथ में हमारी साथ पर जाए तो चिंता नहीं रहेगी। आज मेरे भैया तनगाएं जैसे ही देखो, मन तो अटे के ऊपर था, मन जैसे ही हटो तो तनगाएं जैसे ही देखो तो भैया गजब हुई हुई, शरीर में कोड़ हो गया, कोड़ हो गया। भाग करके रानी के पास में आया, जवाब दिया, रानी 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 भज के आगे सोच रही है हमारी आफत आएगी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये अटे के ऊपर जो लड़की खड़ी है वो लड़की कौन है? नबल दे, जो लड़की थी नबलदे को छिपाने की कोशिश फिर भी कर रही है। जवाब दिया, पिया लड़की तो कोई नहीं है, हमारे महल में कौन लड़की है, हम रहते हैं और बांधी रहती है। तब तक नबलदे नीचे आ गई, जवाब दिया, पिताजी प्रणाम। जैसे ही पिता कहा, जवाब दिया, लड़की कौन है जो हमसे पिता कह रही है? अब तो रानी खड़ी की खड़ी रह गई, अब तो रानी खड़ी की खड़ी रह गई, अब तो भेद खुली। जवाब दिया, पिया जी अपने ही मेरे क्रोध आ करके लाल लाल आगे करके वो राजा भासुक बोला, अरे तूने ली नहीं थी ये छुपाई, जवाब दिया, रानी रानी तूने हमारे साथ बहुत गलत किया, अगर तू बता देती तो मैं कह तो मार तुम नहीं देते, कह तो मार देते कह जा लली को खा लेते, तू पहले बता देती। जवाब दिया, पिया अब जो हुआ तो वो हुआ, कोई बात नहीं। नबलदे जो थी, नबलदे ने जैसे ही पिता के तन की तरफ देखा, जवाब दिया, पिताजी आपके ये कोड कैसे हो गया? जवाब दिया, बेटी वो तो ऐसे ही कोड हो गया। जवाब दिया, पिताजी मैं जानती हूँ ये कोड कैसे ठीक होगा। कैसे होगा? कि अर्जुन के यहाँ कुंड है और कुंड में जो जल है उसके स्नान करने से पिताजी आपका ये कोड ठीक हो जाएगा। जवाब दिया, बिटिया ये तो हमें पता है पर दिक्कत जवाब तक ये लेवे हो जाए। बात जो है, जो पहरेदार पहरेदारी करते थे अब वो वहां पहरेदार नहीं है, स्वयं परीक्षित पहरेदारी कर रहे हैं उस कुंड की। जवाब दिया, कुंड की पहरेदारी कर रहे हैं? जवाब दिया, हाँ। तो मैं जाऊंगी और जल ले आऊंगी। जवाब दिया, वो गुरु धनवंतर का शिष्य जादू में बहुत आगे है। तब नबलदे बोली, पिताजी जादू में हम कम नहीं है। अच्छा, हाँ फिर भी बेटी तुम मत जाओ, जो हमारे कर्मों का दंड है कोई बात नहीं, पर बेटी तुम मत जाओ। मैं बोले हैं, बात सुख समझा रहे हैं,